है जुमा, नहा लिया है कपड़े, कल ईद वाले पहन लिया, आना सुनी भाई ईद वाले पहन लिया, तो अभी चलते हैं मस्जिद नमाज पढ़ने, फिर आगे देखते हैं क्या करना है। तो भैया इधर बट रहा है खुरमा, जुमे का खुरमा, फिर एक बार और कोई दूसरा मारो, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते। पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। मैंने खुरमा खाया है। तो गाइस जुम्मे की नमाज बस सो गया था और जाना था फूफी के घर, तो अनस आया फिर वो सो गया, फिर किसी वजह से हम लोग नहीं जा पाए और अभी जाने को सोचा। ये देखिए माशाल्लाह क्या गजब की बारिश हो रही है, बहुत अच्छी बारिश हो रही है। तो गाइस देखिए कितनी ज़ोर की बारिश हो रही, कितनी अच्छी। ये मेरे ऊपर है छतरी और मेरे पौधे तो बहुत ज़्यादा खुश हैं, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं। क्या बारिश बंद हुई, मकरीब की नमाज़ पढ़ ली, अब चलते हैं फूफी के घर, चले जाते हैं वरना फूफी नाराज़ हो जाएंगी। ये है डाकू, मेरी अम्मी, ये है अनस। बहुत ज़ोरों की बारिश होने लगी, जैसे रिक्शे में बैठे बहुत ज़ोर की बारिश होने लगी, अभी तो बंद हुई है। तो गाइस अभी लग गया बहुत लंबा ट्रैफिक आगे, क्योंकि जा रही शायद बारात इस वजह से। दही बड़ा बहुत पसंद है और ये है अप्पी ने बनाया फुप्पी के घर में आके, ये अपना घर बोली दिखाएंगे पर दिखाई नहीं है। अब लेके आई है गरम गरम पकौड़े, हम अपने हाथ से बना के लाई बेचारी, इतनी मेहनत में। अब फुप्पी आ गई, देखो ये मोबाइल चला रही है, इधर आ गया कैरम, अभी खेलेंगे कैरम, और ये कैरम गया टूट, बहुत पुराना कैरम है, अभी हो रही इसकी सफाई, लेकिन पाउडर है इससे काम चलाएँगे, वो भी जाएंगी। देखो रहा था शेख बन गया साईं बाबा। ये भूत बहुत जिद्दी है, सुनेगा नहीं। निकल रहे अपने घर के लिए, बारिश अभी हो रही है, देख सकते हैं ये देखिए बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी जाना पड़ेगा क्योंकि अम्मी को कल ऑफिस जाना है। तो बारिश हो रही है और यहाँ छाता टूट गया। गाइस ये पड़ा है गोबर और अनस ने ले लिया अच्छे से। कितना अच्छा गोबर है भाई, ये चप्पल पे ले ले, दिखाओ। हाय गाइस छाता भी टूट गया। तो गाइस बारिश हो रही है और अम्मी हमारी, अब इनको घर ही जाना है जल्दी। फाइनली रिक्शा मिल गया भाई, ये लोग आ गए छोड़ने। आयन का सुबह आना है, आ जाना भाई, मैं आ गए ना गाड़ी का। वो अस्सलाम वालेकुम। तो वो लोग गए अपने घर, हम लोग चले अपने घर। हां अमन अच्छा वो हॉस्पिटल है, यहां बगल में दिख रहा है कौन हॉस्पिटल। व्लॉगिंग कर चुके। तो गाइस बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा तेज नहीं हो रही है, हां स्लो हो रही है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने घर, मोहल्ले पहुंच गए, रिक्शा वाले ने उधर ही बाहर उतार दिया। रिक्शा वाला भी उधर ही, जिधर फूफी के घर गए थे उधर ही उसका घर था, लेकिन उसने देखा कि हम लोग रोड पर खड़े हैं रिक्शे के इंतज़ार में भीग रहे हैं, तो वो बेचारा वापस आया और हम लोग को अपने घर यहाँ गभड़िया अपने मोहल्ले छोड़ दिया आके। तो वैसे भी कपड़ा चेंज करना है, भीग गए हैं, बाल वाल भीग गए हैं, लेकिन अम्मी को कल ऑफिस जाना था इसीलिए आना पड़ा, वरना रुक जाते हम लोग। तो अभी हम लोग चलते हैं घर। गाइस घर पहुंच चुके हैं,
ले लिया है अपनी लोवर, अपनी टी शर्ट, अब चेंज करते हैं, नहाएंगे नहीं, भी बहुत ठंड हो रही है और टंकी का पानी भी बहुत ठंडा हो गया है, तो ऐसे ही चेंज कर लेंगे। मुंह गंदा कर दी, तुम्हारा मुंह अच्छा नहीं है। जाने मनी जाने, देख लो इतनी बारिश में आया हूँ। तो गाइस चेंज कर लिया है, अब सोने का टाइम हो रहा है, आराम करने का। तो मिलते हैं फिर कभी किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाल देखो बाल। कैसे हैं आप सब, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज है सैटरडे, अम्मी गए ऑफिस, पापा गए अपने काम पे, आना सभी तक सो रहा है भाई, हमेशा की कहानी जो मैं आपको सुनाता हूँ। लेकिन एक कहानी नई है, और वो नई कहानी ये है कि मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार नॉनवेज बना रहा हूँ, बिरयानी बना रहा हूँ। इससे पहले मैंने बहुत सारा खाना बनाया है, अलग अलग, मीठा भी बनाया है, तीखा भी बनाया है, मतलब हर तरीके का बनाया है, लेकिन कभी जो है नॉनवेज ट्राई नहीं किया। लेकिन पहली बार जो है ट्राई कर रहा हूँ, वो भी बिरयानी बना रहा हूँ। तो आज मैं बनाऊँगा मटन बिरयानी, जिसकी तैयारी मैंने कर ली अच्छे से, और अब तैयारी हो गई है तो अब बनाना शुरू करते हैं। तो ये हमारा बिरयानी चावल, तो ये हमारा गोश्त है जो आधे घंटे से मैरिनेट हो रहा है, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ी सी प्याज जो है फ्राई करके रख ली है, और ये हमारा मसाला, और ये चावल दबो दिखाई दिया। तो अब तैयारी करते हैं, बनाना शुरू करते हैं। तो मैं बिरयानी बना लूँ फिर उसके बाद आपसे मिलूँगा, क्योंकि पहली बार ट्राई कर रहा हूँ तो दिमाग बहुत लगाना है, फोकस करना है, इस वजह से ख़राब ना जाए, तो इसलिए तो बना लूँ उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस मेरे किचन काउंटर का हाल देखिए कितना फैला है, लेकिन कोई बात नहीं, बिरयानी हो गई है तैयार। अब इसको जो है दम लगाना, उसके बाद इसको अच्छे से मिला देंगे। चार तह मैंने इसकी लगाई है, इसके नीचे ये चावल के, तो अब इसको पहले दम लगा देते हैं, इसके बाद फिर मिलाएंगे। हमारी बिरयानी इधर दम लग रही है, तवे पे लगा रहा हूँ। तो गाइस हमारी बिरयानी बनकर हो गई है तैयार, लेकिन अभी अनस सो रहा है, 2 बज रहे हैं अभी तक सो रहा है, उठ जा फिर साथ में खाते हैं। और इधर बिट्टू देखो परेशान कर रही है, दिख रही है, ये देखिए परेशान कर रही है। अभी दिया था 2-3 पीस गोश्त दिया और खाया, उल्टी कर दिया, फिर मांग रही है। तो मैं नहा भी लिया, बनाने के बाद नहा लिया। तो गाइस ये हमारी बिरयानी हो गई तैयार, और मिर्च बहुत कम डाली, क्योंकि पापा पान खाते, इसलिए जो है चटनी बना दी है। ये भी खा ली। पानी तो बड़ा ज़बरदस्त चढ़ा हुआ है, देखिए ये काफ़ी देर तक होगी कन्फर्म। भैया ये कैसे सोया जा रहा है, हाँ क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? अच्छा ठीक है, चाय पियोगी, हैं चाय पियोगी, मर गई। क्या हुआ, भूखी हो, खा तो लियो। शाम के 4 बजे से ये सो रही है, 4-4 बजे करीब से ये भी सो रही है, और अभी बज रहे हैं 7। अभी आ गई हैं खाला, और उनके साथ कुछ और लोग आ गए हैं, तो नाश्ता भेज दिया है। तो गाइस मेहमान चले गए और मेरी जान कितना सारा बर्तन छोड़ के चले गए, इतनी जल्दी जल्दी दूध नहीं था, दूध लेके आया, चाय वाय बनाया, लेकिन मेरे लिए चाय नहीं बची, अब खुद के लिए भी चाय बनाऊँगा। बर्तन जी छोड़ कर चले गए। ये रही हमारी चाय और 10 रुपये वाला टोस्ट, और ये है मेरी बिट्टू जो ईयरफोन दबा कर लेती हुई है। अब थोड़ा देखूंगा पाक ड्रामा, हाँ क्या है, अपना ईयरफोन ले रहे हैं जो ऐट रही हो इधर।